दरभंगा के हरोलपट्टी गांव में देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहां जमा हैं और राम कथा 9 दिनों तक चलने वाला है, जिसका आज 8वां दिन है और यहां भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रोता जो हैं इस गांव के, बता दें कि यहां के श्रोता बहुत ही बेहतरीन हैं और खासकर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। यहाँ रंजीत झा को देख सकते हैं, इस पंचायत के, मझोलिया पंचायत के मुखिया ममता देवी यहाँ सामने बैठी हुई हैं और वो भी श्रोता बनकर खासकर श्रवण कर रही हैं इस कथा का, राम कथा का। साथ ही यहाँ पर खासकर मुखिया प्रतिनिधि जो हैं, यहाँ पूनम झा उन्हें देख सकते हैं, इस पंचायत के मनोज चौधरी को देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। तो इस गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से इस आयोजन को करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरवन दास जी महाराज के द्वारा हनुमान मंदिर के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह कार्यक्रम करवाया गया है, जिसमें रामकथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर सहोड़ा के लोग हैं, रतनपुरा के लोग हैं, मझोलिया के लोग हैं, पतोर के हों या फिर गोरापट्टी और रघुनाथपुर, समस्त ग्रामीण जो वासी हैं उनके द्वारा यह भव्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और इस रामकथा का आनंद लेते हैं। यहाँ अनंतपुर सहोड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया विजय पासवान भी आए हुए हैं और लगातार श्रवण कर रहे हैं। कोई है जो कभी प्रसाद लेने के लिए हाथ पहले आगे ऐसे बनाए और इस हाथ में प्रसाद लेकर के और फिर से ये हाथ करा दे? ऐसे भी कई लोग होते हैं
जहां भगवान का प्रसाद वितरण होता रहता है। नहीं, दो बार एक जगह है, यदि किसी कथा में पूजन में है तो प्रसाद एक बार ही श्रद्धा के साथ ले, और जब भी प्रसाद ले, चरणामृत ले, तो थोड़ा झुक जाए, क्योंकि चरणामृत और प्रसाद जो है भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए चरणामृत लेते समय, आरती लेते समय, प्रसाद लेते समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। हाथ को झुका ले, सिर को झुका ले, पूरा नतमस्तक हो जाए। ये परंपरा है, ये शिष्टाचार है। अब राम जी, जैसे राम जी तो पहले ही मिथिला में आकर के विराजमान हैं, दशरथ जी सारी बराती को लेकर के जैसे आए, बाबा विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के राम जी पिताजी के दर्शन करने जाते हैं, और पुनः जैसे मान लो अभी अभी दूल्हा अयोध्या से आए हैं, सुंदर घोड़े पर सवार होकर के भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। और मिथिला की जो पद्धति है, विवाह की पद्धति, हमारे यहाँ यह पद्धति है, नियम है कि जब बराती हमारे द्वार आती है उस समय हम सभी दूल्हा के साथ साथ बराती का भी सम्मान करते हैं। Thank you.